तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो है कि बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डिमांड है। जो लोग इच्छुक हैं क्रोशिया यूरोप कंट्री में आने के लिए, वो लोग जो है कि दिए हुए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट। जिनका पासपोर्ट और पीसीसी कंप्लीट रेडी है, जिनके पास पीसीसी बना हुआ है विद अपोस्टाइल यानी अपोस्टाइल हुआ है, वो लोग जो है कि अपना मेल कर सकते हैं। तो डिमांड क्या क्या है, जैसे कि डिमांड क्या है मैं आपको बता दूं कि पहले जो है कि डोर इंसुलेशन का काम है, यानी कि जो लोग घर के अंदर काम करते हैं, डोर फिटिंग का काम करते हैं, डोर इंसुलेशन का काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और अच्छा मौका है आने के लिए। तो जो लोग डोर फिटिंग का काम करते हैं, डोर इंसुलेशन का काम करते हैं, वो लोग जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। जो है कि फर्नीचर कारपेंटर का जो काम करते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा डिमांड है जिप्सम बोर्ड। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे जिप्सम बोर्ड का खूब काम होता है और काफ़ी डिमांड रहता है, एनी टाइम जो है कि यहाँ पे डिमांड रहता है। तो जो लोग अगर जिप्सम बोर्ड का काम करते हैं, फर्नीचर कारपेंटर हैं, सेटरिंग कारपेंटर हैं, जो लोग जिप्सम के बारे में जानते हैं, जिप्सम बोर्ड का काम जानते हैं, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है जो है कि फोर क्लिप ऑपरेटर। जो लोग फोर क्लिप ऑपरेटर का काम करते हैं, फोर क्लिप ऑपरेटर हैं किसी वेयरहाउस में, किसी कंपनी में, जो लोग फोर क्लिप ऑपरेटर का काम किए हैं, ड्राइविंग जानते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेयरहाउस के अंदर जो है कि बहुत से जॉब हैं, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फोर क्लिप ऑपरेटर की ज़रूरत है। और चौथा है भैया, जो लोग स्टोन मेसन का काम करते हैं, पत्थर लगाने का काम करते हैं, मार्बल लगाने का काम करते हैं, ग्रेनाइट लगाने का काम करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं अच्छा खासा, यहाँ पे स्कोप है स्टोन मिस्त्री का भी, स्टोन मेसन का भी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवा है टाइल्स मेसन। जो लोग जो है कि टाइल्स काम करते हैं, अच्छा खासा टाइल का काम जानते हैं और इंडिया में काम किए हैं, बाहर काम किए हैं, किसी गल्फ कंट्री में काम किए हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको चार से पांच जो है कि वैकेंसियां बता दी हैं, कौन से फील्ड में कितना चाहिए। क्वांटिटी तो नहीं बताया लेकिन वैकेंसियां हैं, जितने भी बंदे हैं 10 से 12-15 जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जिनका आ जाएगा उनका काम हो जाएगा। हमारी कंसल्टिंग के पास इस समय काफ़ी वैकेंसी है। कंसल्टिंग के पास जो है कि इसमें वेल्डर का भी डिमांड है, एल्युमिनियम वेल्डर और जो है कि मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, तो काफ़ी डिमांड है वेल्डर का भी। तो यहाँ पे अभी इस समय फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन से लेके, वेयरहाउस से लेके, हेल्पर से लेके काफ़ी डिमांड है। जो लोग का डॉक्यूमेंट रेडी है, जो लोग इच्छुक हैं आने के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दिए हुए मेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट मेल कीजिए और जो है कि व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम आपसे, हमारी कंसल्टी आपसे खुद जो है कि कॉन्टेक्ट करेगी, आपको से बात करेगी। तो ये रहा डिमांड। बात करते हैं सैलरी की और काम का, काम कितने घंटे होता है। तो भैया यहाँ पे काम सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक होता है हर कंपनियों में नहीं, अलग अलग कंपनियों में। तो कोई कंपनी 5 तक करवाती है, कोई 4 बजे तक करवाती है, कोई 3 बजे तक भी करवाती है। पर कंपनी का कहना है कि हमारा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 1 वीक के अंदर 40 आवर काम करना है, 40 घंटे काम करना है। तो आप 40 घंटा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, 40 घंटे से काम करेंगे तो आपका जो बेसिक है वही मिलेगा। तो ये हो गया ड्यूटी टाइमिंग की। अब बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पे सैलरी, मिनिमम सैलरी जो है कि अगर आप बेसिक सैलरी पे आते हैं तो बेसिक सैलरी आपको मिलने वाली है 800 से लेके 1000 के बीच में। अगर जो लोग स्किल अच्छा जिनका है, जैसे बिल्डर हो गए, टेक्निकल स्किल वाले जो हो गए, उनका थोड़ा सा सैलरी अच्छा रहता है, उनका 5 से 6-7 यूरो पर आवर के हिसाब से भी रहता है। तो यहाँ पे बाकी सिविल कंस्ट्रक्शन में, सिविल काम में जो है कि ज़्यादातर कंपनियां अभी ज़्यादातर कंपनियां जो है कि पर आवर के हिसाब से देती हैं। तो 4 से 5 यूरो पर आवर आपको शुरुआती दौर में मिलेगा। अगर आपको, अगर बेसिक सैलरी पर अगर कंपनी रखती है तब भी 800 से 1000 यूरो पर मंथ का जो है कि आपको पैकेज मिल सकता है यहाँ पर। तो ये सब सारी वैकेंसियाँ हैं। अगर आप
आपका प्लान है यूरोप कंट्री में आने के लिए, आपको भी आके यहाँ पे पैसे कमाना है, सेटिंग करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा यहाँ के पैसे अर्न करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और जो है कि आप जो है कि आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे माध्यम से करें। आपके नज़दीकी किसी भी कंसल्टिंग के पास अगर वैकेंसियाँ आती हैं क्रोशिया की, अच्छा यूरोप कंट्री की, तो वहाँ जाके आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं और जो वहाँ की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग हो गया, टाइम बता दिया मैं काम करने का, जो है कि समय बता दिया आपको, सैलरी बता दिया, और यहाँ का जो है प्रोसेसिंग टाइम बता देता हूँ कि आपको अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ तक आपको आने में कम से कम 7 से 8 महीने लगने वाला है। उससे पहले तो नहीं होगा, 7 से 8 महीने यहाँ तक क्रोशिया यूरोप में आने तक आपको 7 से 8 महीने लगने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, ज़्यादा आपको लंबी वीडियो नहीं बनाना है, तो आज का वीडियो बस यहीं पर रखूँगा, ख़त्म करूँगा। जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक हफ्ते के बाद जो है कि वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते कंटिन्यू मैं बिजी था, काम में काम ज़्यादा था, इसकी वजह से जो है कि आप लोग के बीच में वीडियो नहीं आ पाया। तो ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, नमस्कार।